education with moral values, the only institution with our latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur. झांसी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैली से पहले मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आज परिवहन मंत्री स्वतंत्र कुमार सिंह झांसी पहुंचे और पत्रकारों को जानकारी दी। झांसी में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उनकी सरकार 2022 तक हर गरीब को छत देने का काम करेगी। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों के मुफ्त इलाज की भी सरकार ने व्यवस्था की है। परिवहन मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के कांग्रेस में आने से बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और अगर सपा बसपा के साथ भी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी तो भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से 2019 में सरकार बनाने जा रही है। सोसाइटी और समिति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ 24 घंटा लाइट की यहाँ बात है। शहरों में पहली बार योगी जी के शासन में हुआ है। गुंडागर्दी को कंट्रोल किसने किया है तो योगी जी के शासन काल में हुआ है। बाकी भी समस्या का समान बीजेपी ही करेगी और कोई सपा बसपा नहीं करने वाला है। और हमने सपा बसपा का शासन इस राज्य में देखा है आपने और बुंदेलखंड में विशेष रूप से आपने देखा है। इसलिए सपा बसपा में क्या यहाँ होता है कोई बताने की जरूरत नहीं झांसी वालों को, न गरौठा वालों को, न बुंदेलखंड वालों को। आपने अच्छी तरह देखा है। इसलिए जो कुछ होगा, जो नहीं हुआ है, बाकी गरीबों को छत नहीं मिला है उनको भी छत 22 तक हम ही देंगे। जहां सड़कें नहीं बनी है वहां अच्छी सड़कें बीजेपी ही देगी। जिस गरीब के शरीर पर वस्त्र नहीं है उसको बीजेपी देगी। आयुष्मान भारत से दवा फ्री में देने का काम कौन कर रहा है? आज की डेट में 5 लाख की बीमारी का उसको इलाज मिल जाए, अभी तक लोगों ने 50 लाख के ऊपर फायदा ले चुके हैं। करेंगे हम मंत्री जी, प्रियंका गांधी को कितना चुनौती मानते हैं भाजपा? देखिए भाजपा क्या है, प्रियंका गांधी यदि सपा में मिल जाती ना तो चुनाव में और मजा आता। ये चारों एक हो जाएं फिर और आनंद चुनाव में आएगा लड़ने में। सपा बसपा कांग्रेस अजीत सब मिल जाए ना तो हम लोग पटकन ही दे देंगे। कुछ नहीं मानते चुनौती। झांसी से मनीष अली के साथ विवेक दोहरे की रिपोर्ट।